बिल्कुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बेहतर कर रहे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होंगी। एंड या आई प्रे टू गॉड कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। हर एक इच्छा से मतलब मेरा ये है कि जो बेहतर हो आपके लिए वो इच्छा आपकी पूरी हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है वो सही है बट गॉड को पता है वो सही नहीं है, तो वो तो जाएगी ना। सो इसलिए आपकी हर एक प्यारी सी अच्छी सी विश पूरी हो जो आपके लिए बेस्ट रहे, ठीक है। सो यहाँ ये आज की जो रीडिंग है ना, ये सिंगल्स के लिए है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो डोंट वरी बाबा, मैं रीडिंग है आज लेके आई हूँ कि सिंगल्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, सो यू हैव टू पाइल्स, पाइल नंबर 1, 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 द लवर्स कार्ड। सो या मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, आपको जो भी इनमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना कार्ड, वो वाला चूज कर लीजिए। दोनों ही बहुत बेहतर हैं, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। या ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। ओके ओके ओके, हेलो पाइल नंबर 1। मुझे ना सबसे पहली चीज़ पता है मेरी, मुझे क्या दिखी इस कार्ड में? मुझे इस पर्सन के हाथ में ना ये रिंग दिखी। यू कैन सी, आपको अगर रिंग दिख रही है, वेट, आपको ये रिंग दिख रही है इस पर्सन के हाथ में? या तो जो ये रिंग है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी, आपके घर पे कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है, हाँ, जो शादी में कन्वर्ट हो, या तो आपको आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है। बाकी मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती, मैं कार्ड्स को देख के ही कहूँगी। और मुझे यहाँ पे भी इनके हाथ में भी रिंग दिख रही है। सो बेसिकली मुझे क्या नज़र आ रहा है, जो मुझे क्लियर मैसेज सुनाई दे रहा है आपके लिए, वो ये है कि यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, रेनबो कलर्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी इस पर्सन के आने से, ठीक है। आपकी लाइफ में रेनबो आएंगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिना अधूरा रहेगा, ठीक है। सो आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। एंड यू कैन सी कि दोनों के हाथ में यहाँ पे रिंग है, इस पर्सन के हाथ में रिंग है, यहाँ पे भी रिंग है। सो आप हमेशा ही रिंग डाला करोगे अपने हाथ में, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम कमिटेड हैं, ठीक है, इंगेज्ड हैं किसी से, या फिर हमारी शादी हो चुकी है। सो या आप, मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहेंगे आप दोनों, ठीक है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे, एक दूसरे को वो होते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी, कि आप भी सामने वाले को उतना ही प्यार दे रहे हो, तवज्जो दे रहे हो, सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार और तवज्जो बदले में दे रहा है। सो ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि ऐसा पर्सन होगा जो नेक्स्ट आएगा आपकी लाइफ में। इट कुड बी अ मैरिज प्रपोजल ऑल्सो, ठीक है। ये एक मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके घर पे आए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। टैरो डेक से देख लेते हैं। ओके प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, जो पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 1 के जो सिंगल्स देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज मुझे बताएं कि उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स, प्लीज, ओनली 3 कार्ड्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, सिंगल्स की लाइफ में। हैंग्ड मैन, जस्टिस, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। अगर आपकी जहाँ पे 11 दिख रहा है, यस, इट्स 11, आई मीन यहाँ पे है ना, मुझे देखो वैसे तो 12 है इसका नंबर, लेकिन मुझे यहाँ पे 11 दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो मैं दिखाऊंगी आपको, देखो दिख रहा है ना 11। सो या आपको 11 दिखता होगा, एंजल नंबर्स दिखते होंगे आपको, या फिर
कोई साइंस आपको मिल जाते हैं पहले कि ये पर्सन आपके लिए गलत है, ये चीज़ आपके लिए गलत है, ये चीज़ ऐसे होगी, कहीं ना कहीं आपको साइंस जो है मिल जाते हैं, ठीक है। सो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में या तो आप ऐसी सिचुएशन में हैं, इफ़ यू आर 30 अबो, ठीक है, अगर आपकी एज 30 अबो है, ठीक है, उनके लिए पहले बात कर लेते हैं कि जिनकी एज यहाँ पे 30 है या उनसे ज़्यादा है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि अरे बाबा अब कहाँ मेरी शादी होगी, अब थोड़ी होने वाली है, इतनी एज हो गई है, कब होगी मेरी शादी, होगी भी या नहीं होगी, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा। बट यू कैन सी कि ये पर्सन हैंग्ड ज़रूर है, लटका हुआ ज़रूर है, बट यहाँ पे एक सन है, यहाँ पे एक सन है, तो ये एक उम्मीद है। उम्मीद मत छोड़े, चाहे कितने भी बुरी सिचुएशन हो, उम्मीद मत छोड़े। ये ना सोचे कि आपके लिए कोई नहीं बना, ये सूर्य या फिर ये सन इस बात का सिंबल है कि हाँ आपके लाइफ में कोई है, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई है, और वो एक सन की एनर्जी के साथ आएगा, मीन्स बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपकी अभी एज इतनी नहीं है या फिर आप अभी शादी नहीं करना चाहते, ठीक है, सो उनके लिए ये है कि शायद आपको प्यार पे इतना भरोसा नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बिल्कुल आपको है ना ऐसे ट्रीट किया गया हमेशा ही कि आपकी जगह किसी और को चुन लिया गया, या फिर हमेशा ही या तो वो वर्क के प्लेस पे हो गया, या फिर वो आपकी लव लाइफ में हो गया, ठीक है, या फिर आपके लुक्स वाइज हो गया, हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको नकार के किसी और को चुन लिया गया। तो इस वजह से आपको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ, मैं सामने वाले को इतना देती हूँ, इतना देता हूँ, सामने वाला जो पर्सन है वो उसकी वैल्यू ही नहीं करता है बिल्कुल भी। बट यू कैन सी डियर, जस्टिस इज हियर, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी देखा, यू कैन सी जजमेंट कार्ड, ठीक है, ये जजमेंट तो आपके साथ है ना, वो जजमेंट होगी, बेसिकली डेफिनेटली होगी आपके साथ वो जजमेंट। एंड या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो ऐसा नहीं होगा कि अपने वादों से मुकर जाए, ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपके साथ, देखो इन्होंने भी ना यहाँ पे रिंग डाल रखी है, इफ यू कैन सी इन्होंने भी यहाँ रिंग डाल रखी है, दिख रहा है आपको। सो या ये पर्सन ऐसा होगा कि अगर इन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर चाहे कुछ हो जाए, तो ये पर्सन है ना आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ उन चीज़ों को स्वीकार करके उनको आप इन्हें बताएंगे भी ना, फिर भी उन चीज़ों को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, मतलब ये बोलेंगे कि पास्ट है, पास्ट को पास्ट में रहने दो, लेट इट गो, ठीक है। सो ये पर्सन है ना, देखो यहाँ पे भी मुझे सेम इनके स्लीपर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। सो यस, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल के इस सिचुएशन में होपफुल रहने की ज़रूरत है। और आपको अगर आप अपने पास्ट में अभी भी स्टक हैं, अगर आप अपने पास्ट से अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं, सो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ वहाँ से मूव ऑन करें, क्योंकि जब आप वहाँ से मूव ऑन करेंगे, जब आप वहाँ से निकलेंगे, तभी एक न्यू सन आपके लिए वेट कर रहा है। बट आप, मुझे ऐसा लगता है, या तो अपने पास्ट में स्टक है, या फिर आपको डर लगता है कि क्या सच में मेरे लिए भी कोई बना है, क्या ऐसा है कि क्या कोई मेरे लिए होगा, आपको हमेशा ये डाउट रहता है। बट आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा डियर, तभी आपके लाइफ में ये पर्सन आएगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ आप है ना लव मैरिज में बिलीव नहीं रखते, या अगर रखते हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। सो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको जो है ना अपने आप पे बिलीव करने की ज़रूरत है, गॉड पे बिलीव करने की ज़रूरत है, और लेट इट गो, लेट योर पास्ट गो, ठीक है, अपने पास्ट को जाने दीजिए डियर, अब टाइम है उसे छोड़ने का टाइम है, उसका वेट करने का नहीं। यू कैन सी सन कार्ड एंड 9 of Cups कार्ड, 6 of Swords, डेफिनेटली आपको वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। रुको, विश कार्ड, मैंने ये कार्ड देखा, ठीक है। सो या तभी आपकी लाइफ में, देखो मैंने कहा ना ये सन आएगा, तभी आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन एंटर करेगा और उससे आपकी शादी होने लिखी है डियर। सो बेसिकली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप
लव मैरिज में अभी बिलीव नहीं करते हैं या आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी होगा कि भाई फैमिलीज यहाँ पे इकट्ठा होंगी और तब आपका इनके इनके साथ शादी होगी। यू कैन सी हर एक कार्ड में, हर एक कार्ड में सिर्फ सिंगल पर्सन है यहाँ, देख सकते हो आप। और यहाँ पे दो बंदों का या फिर टू पर्सन से जो एक दूसरे से कोलैब कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का सोच रहे हैं या फिर अपना जीवन दे चुके हैं सामने वाले को, ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी सामने वाले पर निछावर कर चुके हैं। सो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में यस अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, बट मुझे कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है आता हुआ आपकी लाइफ में। आप है ना सूर्यदेव को पानी दीजिए, ठीक है, आप सूर्यदेव को पानी दीजिए, शुक्र को अपना स्ट्रोंग कर सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा परफ्यूम इत्र वगैरह लगा सकते हैं आप, ठीक है, या सो उससे क्या होगा कि आपकी तरफ जो है लोग अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है, होंगे, और इस वजह से आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी एंटर कर सकता है एंड बेसिकली आप बहुत खुश होंगे इस पर्सन के आने से, ठीक है। या आप देख लेते हैं इससे एंड देन हम नेम इनिशियल देखेंगे और टाइम स्टैम्प देखेंगे, ठीक है। आप पूछते रहते हैं कब होगा कब, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि पैन नंबर वन जिन्होंने चूज़ किया है सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है। सो आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो एम्परर होगा। अब मैं कुछ दिखाऊं आपको, अब मैं कुछ दिखाऊं, सी लवर्स कार्ड इज हियर। सो बेसिकली आपकी लाइफ में लव आ रहा है, बेसिकली आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। मैं पैन नंबर टू पे मेरे है ना आपकी रीडिंग करते हुए पैन नंबर टू पे भी नजर गई थी। सो या आपकी लाइफ में लवर आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में वो प्यार आ रहा है जिसके आप हमेशा जिसके लिए तड़पे हैं, जिसको आपने हमेशा सोचा है। और ये मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये एक मैरिज प्रपोजल होगा जिनसे आपकी शादी होगी। अगर आपकी लाइफ में अगर कोई लव आता है, ठीक है, या अगर ये लव मैरिज वगैरह का कुछ फंडा है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिलीज एग्री कर जाएंगी, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे है ना फैमिली कोलैब करती हुई नज़र आ रही है, या फिर एक ट्रेडिशनल वे में सॉरी आपकी शादी होगी इस पर्सन से, ठीक है, आपकी फैमिलीज भी इकट्ठा होंगी यहाँ। सो या बेसिकली ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो यहाँ पे ऐसा है आप मानते हो कि भाई फैमिली की इच्छा से होनी चाहिए, फैमिली की मर्जी होनी चाहिए, उससे शादी होनी चाहिए। सो इसीलिए आपका आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आएगा। अदरवाइज अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके भी आपके लिए चांस बन रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इस एनर्जी में ले आएंगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, और आप उस पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तब आपकी लाइफ में सन एंटर करेगा। सन से मीन्स यहाँ पे है लवर, ठीक है, और उससे आपकी शादी होने लिखी है। सो या पैन नंबर वन, बहुत प्यारी रीडिंग आई है भैया आपकी, तो आई नो बहुत सहा है आपने पास्ट में, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको प्यार मिलता है, और वो भी सच्चे वाला प्यार, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। सो या यू नीड टू पे ग्रेटिट्यूड टू गॉड, टू एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको, आपके भगवान हैं जो भी हैं, अल्लाह हैं, खुदा हैं, रब हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, उनको आपको जो है ना ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, उनको आपको शुक्रिया बोलने की ज़रूरत है, या फिर जो हुआ है पास्ट में उसके लिए थैंक यू बोलो गॉड को, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ भाई सामने वाला पर्सन गया है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, बट बच्चा भगवान ने कुछ गलत नहीं किया, भगवान ने जो सोचा है ना आपके लिए वो बेहतरीन है, उसको एकदम से लेट इट गो यार, जाने दो उसे, जो जा रहा है जाने दो, क्यों रोक रहे हो उसको, क्या मिल जाएगा क्या रोकने के लिए, मतलब रोकने से एक एक पल दो पल वो ठहर भी जाए, लेकिन अगले पल तो जाएगा ना, जब उसने मन बना लिया है जाने का, तो उसको रोकने का क्या फायदा, समझते हो ना। अगर कोई पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, टेंशन नहीं दे रहा, आपकी केयर नहीं कर रहा, तो क्या ज़रूरत है ऐसे रिलेशनशिप में रहने की, हाँ। खैर लेट्स सी उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। आपके लिए तो है ना एक सॉलिड प्रपोजल आ रहा है, ये नहीं है कि बस कोई आएगा और कुछ टाइम तक रहेगी रिलेशनशिप, नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली है आपकी रिलेशनशिप इनसे। कैसे नाम हो सकता है, यूके से हो सकते हैं, दूसरी कंट्री से, आई से नाम हो सकता है,
जेड से नाम हो सकता है, डब्ल्यू से नाम हो सकता है, ए से नाम हो सकता है, या उनके नेम नाम में आता हो। एक्स, ओके इट कुड बी योर एक्स, यू नीड टू रिलीज योर एक्स बिकॉज ये सन के पास आया है। सो बहुत कम लोगों के लिए चांस है, 2% चांस है, 2% लोगों के लिए कि शायद आपके एक्स आए, अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है। एन बी और एम, वाइट कलर एंड जे और एल, जेल ये कैसे नाम है भाई, नाम थोड़ी बन सकता है इससे। हाँ सो या ये है नेम इनिशियल्स। नाउ अब देख लेते हैं कि कब तक आएंगे वो। ओके आफ्टर 3 months, आफ्टर 10 months, डिवाइन टाइमिंग पे। ओके सो या दैट्स ऑल फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो DM मी ऑन व्हाट्सएप। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द लवर कार्ड चूज किया है, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना किसी ऐसे लव को चाहते हैं जो सिर्फ आपका बन के रहे, जो सिर्फ आप में ही रहे, सिर्फ और सिर्फ आपका बन के रहे, ऐसे पर्सन को चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। आप शिव जी के भगत हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ, नॉट फॉर एवरी वन, ठीक है। अगर आप किसी और धर्म कल्चर से रिलेटेड है देन दिस मैसेज नॉट फॉर यू, ओके। हाँ या फिर आप में से बहुत सारे लोगों का नाम अर्जुन हो सकता है, करण, आई डोंट नो व्हाई बिकॉज मुझे ये चीज़ दिखी यहाँ पे तीर कमान, या फिर आप स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, तीरंदाजी होता है क्या, हाँ ऐसा कुछ। सो या बेसिकली मुझे क्या नजर आ रहा है, या डांसर हो सकते हैं आप, या क्रिएटिव हो सकते हैं, पेंटर वगैरह हो आप, पेंटिंग वगैरह बनाते हो, आर्टिस्ट हो, गाते हो सॉन्ग वगैरह। सो मुझे क्या नजर आ रहा है, आप अपनी लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन चाहते जो सिर्फ आपसे मोहब्बत करे, जो सिर्फ आपसे प्यार करे। आप चाहते हो बेसिकली कि आप लव ऐसे पर्सन से करें जो सिर्फ आपका रहे, आपकी कदर करे और आप उसकी कदर करें। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप शायद, आप में से बहुत सारे लोगों की या तो शादी हो गई हो या फिर एंगेज हो, ऐसा हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है। सिंगल्स के लिए है वैसे तो शादी तो हो गई होगी, तो ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स वगैरह हो गया हो, ये स्पेसिफिक मैसेज है, किसी किसी से रेजोनेट होगा। जो आपके पर्सन होंगे ना बहुत हैंडसम होंगे, बहुत, अगर लड़के होंगे तो, और लड़के होंगे तो बहुत प्यारी होंगे। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं जो पाइल नंबर जो टू है उनके जो सिंगल्स है पाइल नंबर 2 के, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। एंड शून्य, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच टू अवान्स। वर्कोहोलिक पर्सन है आप, है ना। द स्टार कार्ड, 9 of Pentacle कार्ड, 10 of Sword कार्ड। क्या किसी को पसंद करते हो आप? आप किसी को पसंद करते हो क्या बाबा?
मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आपके दिमाग में कोई पर्सन है, या फिर आप जिस जैसा पर्सन चाहते हो वैसा आपको मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और आप एकदम वेट कर रहे हो कि कोई तो आए, कोई तो हो ऐसा जो सच में मुझे पसंद करता हो। सो डोंट वरी, बिकॉज आपको कोई पसंद करता है बाबा? किसने बोला आपको नहीं पसंद करता? मैंने ये कार्ड देखा ही नहीं, लेकिन आप शायद किसी और को पसंद करते हैं। सो यार मुझे क्या नज़र आ रहा है कि देखो बॉटम ऑफ द डेक मैंने देखा था, आई डोंट नो मैंने शफल कर दिया क्या, कुछ याद ही नहीं आ रहा, शफल कर दिया आई थिंक मैंने कार्ड्स को, ये रे हाँ ये वाला कार्ड देखा था मैंने, पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपको कोई लाइक करता है, या आप किसी को लाइक करते हो, वो पर्सन का आपको ये नहीं पता कि सामने वाला मुझे लाइक भी करता है या नहीं, मुझे पसंद भी करता है या नहीं। ऐसा हो सकता है मे बी आपने पास्ट में बहुत झेला हो, पाइल नंबर टू, बिकॉज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इज हियर, आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ टॉलरेट किया है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप से भी निकले हैं, या फिर आप किसी मैरिज से भी निकले होंगे, ऐसा हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज है, नॉट फॉर एवरीवन, जिससे रेजोनेट हो वहीं लीजिएगा, ठीक है? एंड या अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है ये कि हाँ शादी हो गई है, इंगेज थे उसके बाद नहीं रही, तो वो आपके लिए नहीं है, ठीक है? हाँ तो आपने है ना, या तो आप अपनी कोई ऐसी रिलेशनशिप आपने छोड़ी है, या फिर आप किसी ऐसी मैरिज वगैरह से निकले हैं जो आपको जिसने बहुत पेन दिया, जिसमें आपने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ, और आपने है ना फिर अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया, दिया आपने खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने खुद को जो है घर से ही, अगर आप फीमेल है तो आपने घर से ही कुछ काम स्टार्ट किया, ठीक है? लेकिन आपने सोचा या आपने कहा कि अब मैं अकेले ही ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे और अगर यहाँ पे शादी वगैरह नहीं हुई तो मे बी आप अपनी रिलेशनशिप से, किसी ऐसी रिलेशनशिप से निकले जहाँ पे आपको कभी भी वो प्यार, वो केयर, वो आगे से एफर्ट्स नहीं दिखे, ठीक है? तो आपने अपने आप को सिर्फ अपने वर्क को, काम को अपने तवज्जो दिया, और आपने सिर्फ अपने काम को चुना। यस आपको दर्द हो रहा था, दर्द हुआ पास्ट में, लेकिन आप उस चीज़ से मूव ऑन किया, और आपको फेथ है कि हाँ भगवान या गॉड या आपके अल्लाह या आपके रब जिन्हें आप मानते हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई पर्सन ज़रूर भेजेंगे जो सच में आपकी केयर करता हो, सच में आपको प्यार करता हो। एंड डेफिनेटली मैंने यहाँ पे जो कार्ड दिखा था पेज ऑफ कप्स, वो यही दिखाता है कि सच में आपको कोई पर्सन ज़रूर है जो पसंद करता है। फिर भी मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए, प्लीज़ एंजल्स। एंड यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। मे बी अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप वहाँ पे भी फेमस हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे फॉलोविंग मतलब फॉलोवर्स हों आपके, ठीक है? बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। और या फिर अगर आपकी कोई दिली तमन्ना है कि आप स्टेज वगैरह पे जाएं, आप जो है कोई आर्टिस्ट है जैसे कि मैंने बोला, तो डेफिनेटली मुझे आपको वहाँ पे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। बस आप अपने आप पे काम करते रहे, ठीक है? और रही बात आपकी लव मैरिज की या फिर किसी ऐसे पर्सन की, तो देखो मुझे ये और ये पर्सन है ना लगभग इनका जैसे सेम लग रहे हैं, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपका एम्परर आएगा। आपने बहुत सहन कर लिया है, आपने बहुत सहन किया है, देखो यहाँ पे टावर कार्ड है, आपने बहुत कुछ सहन किया है, बट नाउ इट्स टाइम टू ग्लो, ठीक है? अब आपकी लाइफ में वो टाइम आएगा जब आप अपने आप की तारीफ करेंगे कि हाँ मैंने उस चीज़ से निकली मैं या निकला मैं, ठीक है? आप एम्परर आपको मिलेगा अपना, ठीक है? अगर आप यहाँ पे लड़के हैं तो आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा एम्परर जो आपके खिलाफ सुनेगा नहीं, और उसने भी बहुत कुछ सहन किया होगा। आज वो जिस पोजीशन पे होगा ना, वो अपने बलबूते पे होगा, और वो आपको अपनी क्वीन बना के रखेगा, जिस तरीके से एम्प्रेस बना के रखेगा अपनी, जिस तरीके से वो एक एम्परर है वो आपको एम्प्रेस बना के रखेगा। और अगर वो लड़की है, आप यहाँ पे लड़के देख रहे हैं, तो वो आपको अपना एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेगी, अपने जिस तरीके से वो अपने आप को एम्प्रेस समझती होगी ना, तो वो आपको एक एम्परर की तरह ट्रीट करेगी हमेशा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, अगर आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, गिविंग है, लविंग है, सामने वाला उतना ही प्रैक्टिकल होगा, बट आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है? और मुझे ये लव लव वाली एनर्जी दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा
जिससे आप प्यार करोगे। आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, सामने वाला बहुत ही इमोशनल, केयरिंग, गिविंग, लविंग होगा, ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। आपने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ, बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड्स के साथ टावर का कार्ड आया है, बहुत कुछ सहन किया है आपने, बट इट्स टाइम कि अब आपके साथ वो चीज़ें ना हो। अब आपके साथ जो आपने विश कभी की थी, जो फेथ आपने रखा था, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा आपको जो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ ला देगा, जो आपको टॉप पोजीशन पे लाने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ेगा। ऐसा पर्सन होगा जो आपका हर चीज़ में साथ देगा। या तो आपका पास्ट में ऐसा रहा है कि किसी पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया अच्छे से, लेकिन ये पर्सन हर सुख में, हर दुख में, सुख होवे दुख होवे असी तेरे नाल यारा, ऐसा पर्सन होगा। या फिर ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो लव में बदल जाए रिलेशनशिप, ठीक है। तो यार पैन नंबर वन, आप तो अपने आप पे काम कर रहे हो, बहुत प्यारे। ओ माय गॉड, मैजिशियन कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड एंड डेविल कार्ड। तो इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। एंड यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बोला है, एकदम अपोजिट एनर्जी है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है और ये फेमिनिन एनर्जी है एकदम, ठीक है। सो यार डेफिनेटली आप बस अपने आप पे काम करते रहें। आप जिस काम पे काम कर रहे हो या जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। एंड डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आपका फ्यूचर स्पाउस जो होगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसा पर्सन होगा कि वो सिलेक्ट कर लेगा आपको कि हाँ यही पर्सन है मेरा। अगर आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं तो ये वहाँ जज हो सकते हैं, ऐसा हो, ठीक है, और ये आपसे उसी दफ़ा अट्रैक्ट हो जाए और उसी पल आपको ये मान लें हाँ यही है वो पर्सन जिसकी तलाश मैं कर रहा हूँ, यही है वो पर्सन जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। विल ऑफ फॉर्चून कार्ड इज हियर। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस खुशी का आप वेट कर रहे थे, जिस इच्छा का पूरी होने का वेट कर रहे थे, वो होने वाली है। बिकॉज द डेविल कार्ड, इतनी अट्रैक्शन है आप दोनों के दरमियान। इस कार्ड में मुझे दोनों की इक्वल एनर्जी नज़र आ रही है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन कार्ड, यस, पास्ट में जो हुआ हो गया, अब उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए प्लीज एंजल्स एंड कार्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे भी आर्टिस्टिक वे आए, जो मुझे वो आई है वाइब्स, ठीक है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं तो प्लीज़ अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएं। आपका टैलेंट बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। मुझे जे से नाम दिख रहा है उस पर्सन का, सामने वाले का, जे से या टी से, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 33-6, मतलब हारमोनी किसी पर्सन से। एंड या आप है ना, बहुत कुछ सहन किया है आपने, बट इट्स टाइम कि अब आप ग्लो करें, इट्स टाइम कि अब आप हर एक चीज़ को इंजॉय करें, ठीक है। अब ये टाइम है कि आप हर एक चीज़ को इंजॉय करेंगे, अब ये टाइम है कि आप हर एक चीज़ को तवज्जो देंगे, ठीक है। सो या आप देख लेते हैं कि क्या उनके नेम इनिशियल होंगे, और वो पर्सन आपको है ना हमेशा सपोर्ट करेंगे। ऐसे नहीं होंगे कि हाँ आप अपने काम में बिजी है, वो अपने काम में बिजी है, बेशक वो अपने काम में बिजी हो, लेकिन आपको, आपके लिए हमेशा टाइम रहेगा इस पर्सन के पास। सीईओ हो सकते हैं, सीईओ कहीं के, ठीक है। YH किंग, किंग नाम हो सकता है, राजा नाम हो किसी का, रानी नाम हो किसी का, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री से हो सकते हैं, एशिया से भी हो सकते हैं। ओके, जेड से उनका नाम हो सकता है, आर से ऋतिक, हर्ष, शॉर्ट हाइटेड, हरीश, ओके, एस से नाम हो सकता है, सूरज नाम हो सकता है किसी का, इट कुड बी एक्स, या फिर आपके एक्स के नाम से कोई पर्सन हो, बहुत अजीब होता है बाकी ये। खैर देख लेते हैं टाइम स्टैम्प कब तक आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए आप, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, इट कुड बी अ डेट बर्थ, डेट ऑफ बर्थ या उनकी होगी ये। अक्टूबर के महीने में आ सकते हैं, आफ्टर 2 मंथ, ओके, आफ्टर 2 मंथ, 16, 17, 18, 19, 20, इट कुड बी अ डेट ऑफ बर्थ या उनकी, 26, 27, 28 और 29, 30, ये आपकी एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 वीक्स, इट कुड बी वेरी फास्ट,
कि हाँ भाई 2 वीक्स हो. सो या दैट्स ऑल फॉर यू पैनल नंबर 2. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को. एंड या लव यू ऑल, बाय. इफ़ यू वॉन्ट योर पर्सनल रीडिंग देन DM मी ऑन WhatsApp. लव यू, बाय, टेक केयर.